बढ़ना है और एक अच्छा प्रॉपर शॉर्ट्स लेके आपको मार्केट में आना है और आपके चैनल को वायरल करना है और आपके चैनल को सब्सक्राइब गेन करना है और आपके चैनल भी धीरे धीरे शॉर्ट लिस्ट में आ जाए कि आप भी एक अच्छा शॉर्ट क्रिएटर हो, आप भी एक अच्छा शॉर्ट्स कंटेंट बनाते हो। सो दोस्तों, आप भी एक अच्छा क्रिएटर बन रहे हो और आप भी एक अच्छा शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ गलती कर देते हैं या कुछ हम लोग समझ में नहीं पाते, तो इसके लिए हम लोग कुछ शॉर्ट्स अच्छा नहीं बना पाते और वो शॉर्ट्स वायरल भी नहीं होते और रैंक लिस्ट में भी नहीं आते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स दूंगा और कुछ ऐसे चीज़ बताऊंगा, ऐसे कुछ सेटिंग्स बताऊंगा ताकि आपका जो शॉर्ट्स है वो जल्दी से जल्दी वायरल भी हो जाएगा और जल्दी से जल्दी आपका जो ओरिजिनल कंटेंट है वो ओरिजिनल कंटेंट ही रहेगा, ना कि दूसरे का कॉपीराइट क्लेम लगेगा। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्लू व्हेल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शॉर्ट्स बनाने के लिए आप क्या क्या यूज़ करते हो, क्या क्या आप उसमें थिंकिंग लगाते हो, कितना मॉडिफिकेशंस करते हो या कितना आप दूसरे का जो शॉर्ट्स है उसको लेके कितना आप उसको रिमॉडिफाई करके आप एक अच्छा कंटेंट बनाते हो, अच्छा एक कंटेंट प्रोड्यूस करते हो, तो उसमें भी आपको अलग अलग सेक्टर्स रहते हैं, अलग अलग उसमें भी काम होता है, अलग अलग उसमें भी बहुत सारे चीज़ एडिटिंग होता है, बहुत सारे चीज़ उसको स्क्रिप्टिंग किया जाता है। स्क्रिप्टिंग करने के बाद फिर एक अच्छा शॉर्ट्स बनता है। तो एक अच्छा शॉर्ट्स जब बनता है, एक अच्छा शॉर्ट्स जब आप बनाते हो, बनाने के बाद फिर उसको जब आप लोड करते हो, तो लोड करने के बाद फिर आपको दिखता है कि आप उसमें कितना अच्छा काम किए हो और कितना अच्छा उसमें एडिटिंग किए हो। तो आज के तारीख में बहुत सारे कॉमेडी हो गया, कुछ फनी हो गया, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया या कुछ जो माइंड को फ्रेश करता है, ऐसा भी कुछ शॉर्ट्स रहते हैं। जो बहुत सारे शॉर्ट्स ऐसा भी है कि उसको देख के माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है और उसमें थोड़ा फनीनेस भी है और देखने के भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसा आपको शॉर्ट्स एक अच्छा शॉर्ट्स क्रिएटर बनना है और एक अच्छा प्रॉपर शॉर्ट्स लेके आपको मार्केट में आना है और आपके चैनल को वायरल करना है और आपके चैनल को सब्सक्राइब गेन करना है और आपके चैनल भी धीरे धीरे शॉर्ट लिस्ट में आ जाए कि आप भी एक अच्छा शॉर्ट क्रिएटर हो, आप भी एक अच्छा शॉर्ट्स कंटेंट बनाते हो। तो अभी इधर देखो जो शॉर्ट्स है, जैसे शॉर्ट्स हम लोग देखते हैं, घुमाते घुमा के शॉर्ट्स देखते हैं, कौन सा भी शॉर्ट्स पसंद आता है, कौन सा भी शॉर्ट्स हम लोग अच्छा लगता है, तो उसको देख के फिर उसको हम लोग सोचते हैं कि इसको रिमॉडिफाई करके और रिमॉडिफाई करके इसको अच्छा बनाए। बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो देखना पड़ेगा आपको क्या कंटेंट बनाना है, क्या कंटेंट के ऊपर आपको काम करना है, फिर कंटेंट को देख के फिर आपको उसके ऊपर स्क्रिप्टिंग करना है, स्क्रिप्टिंग करने के बाद फिर आपको उसको अच्छे से बनाना है। तो अभी देखिए ये जो शॉर्ट्स है, ये शॉर्ट्स के अंदर तो इसमें मैं शॉर्ट्स को स्क्रॉलिंग करते जा रहा हूँ, स्क्रॉलिंग करते करते फिर इसमें देखो जो भी चीज़ है इसमें, अभी इसमें क्या है कि आपका जो भी कंटेंट आप बनाओगे, जो कंटेंट बनाने के बाद उसमें यूनिक चीज़ क्या होना चाहिए, आज के दिन में यूनिक चीज़ क्या है, सबसे यूनिक चीज़ है कि आपका खुद का कंटेंट प्रोड्यूस करो, खुद का कंटेंट बना के उसको अच्छे से बनाओ। बट कंटेंट बनाने के लिए आपको वीडियो तो सभी बनाते हैं, कंटेंट तो सभी बनाते हैं, बट उसको आपको वॉइस ओवर करके या कुछ अच्छे से उसको म्यूज़िक बना के या कुछ अच्छा कुछ स्टोरी बिल्ड करके आप एक शॉर्ट्स बनाओ ताकि आपका शॉर्ट्स लोगों को पसंद है और आपका भी शॉर्ट्स लोगों को यूज़ होए। तो अभी देखो ये जो शॉर्ट्स है, अभी मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, शॉर्ट्स ऊपर करते करते अभी अगर कोई शॉर्ट्स का मुझे गाना पसंद आया, कोई शॉर्ट्स का अगर मुझे कुछ क्लिप्स पसंद आया, म्यूजिक्स पसंद आया, तो मैं उसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी इसमें देखो इसका जो शॉर्ट्स का जो ओरिजिनल शॉर्ट्स है अभी जो क्रिएटर किया है, मतलब जो क्रिएटर अपलोड किया, तो इसका ओरिजिनल शॉर्ट्स में व्यूज़ देखो और नॉर्मल जो उसका जो क्रिएटर है, जो नॉर्मल लोग उनका वीडियो लेके गाना बना उनका व्यूज़ देखो। तो आप कुछ ऐसा क्रिएट करो, आप कुछ ऐसा बनाओ ताकि लोग आपके जो कंटेंट है उसको लेके खुद का कंटेंट बना सके, तो आपका भी चैनल धीरे धीरे वायरल होएगा और आपका भी चैनल में धीरे धीरे व्यूज़ आएगा। बट आपको इतना ध्यान देना है कि आपको खुद का कंटेंट बनाना है, खुद का कंटेंट बना के ही आप अगर आपके चैनल को ग्रोथ कर सकते हो। अभी दूसरा कंटेंट लोगे, दूसरा कंटेंट भी लेने के बाद भी आप उसमें कुछ री एडिट करो, री मॉडिफाई करो, री एडिट करके उसको ऐसा कुछ कुछ अपना कुछ ऐसा कंटेंट बनाओ कि लोग उसको देखें, लोग उसको पसंद करें और आपके चैनल में भी विजिट करें कि ये शॉर्ट्स कौन बनाए, ये शॉर्ट्स कैसे बनाए। तो शॉर्ट्स का तो हो गया फंडा, कैसे शॉर्ट्स आपको बनाना है। अभी जो नेक्स्ट फंडा है उसमें आपको जो शॉर्ट्स में अभी अर्निंग भी स्टार्ट हो गया, 40-50 शॉर्ट देखने के बाद अभी इसमें जो एक बीच में शॉर्ट्स आएगा, शॉर्ट्स देखने के बाद फिर उसमें जो है एक ऐड चलेगा। अभी लगातार कंटिन्यू हम लोग शॉर्ट्स देखते जाएंगे, शॉर्ट्स देखते जाएंगे, शॉर्ट्स देखने जाने के बाद फिर बीच बीच में जो एड्स आएंगे वो सब एड्स भी तो अपने को दिखेगा, तो उसका भी रेवेन्यू आपको मिलेगा, ताकि थोड़ा सा नहीं कुछ ना कुछ तो आपको रेवेन्यू मिलेगा, ताकि आपका शॉर्ट्स जब बनाओगे, आप शॉर्ट्स जब देख रहे हो, शॉर्ट्स जब अपलोड कर रहे हो, तो आपका भी शॉर्ट्स फंड आपको भी चैनल में आएगा, आपका भी चैनल जब मोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइज होने के बाद भी आपके चैनल में शॉर्ट फंड ऐड हो जाएगा। तो आप ट्राई करो कि आप एक प्रॉपर यूनिक शॉर्ट्स बनाओ, यूनिक शॉर्ट्स बनाने के बाद फिर आपको उसको देखो,
उसको क्या अच्छा लगता है, क्या उसमें और एडिट कर सकते हैं, क्या उसको रिमॉडिफाई कर सकते हैं। फिर जब एक प्रॉपर शॉर्ट्स रिमॉडिफाई करके आप बनाओगे, प्रॉपर मॉडिफाई करके बनाने के बाद आपका जो भी एक गाना अगर किसको पसंद आ गए तो वो गाना आप पब्लिक जब यूज़ करेंगे तो उस गाने में अगर कोई एक अच्छा क्रिएटर है जिसका कम से कम 300K या 400K अगर उनके चैनल में सब्सक्राइबर है, तो उनका अगर आपने आपका जो चैनल का जो गाना है, आपका चैनल का जो ऑडियो उसने अगर यूज़ करके अपने चैनल में अपलोड किया, अपने आईडी पे अपलोड किया, तो आपका चैनल का जो ऑडियो उनके चैनल में तो चले जाएगा। किसी को अगर कुछ हो कॉमिक वे में आप कुछ क्रिएट किए हो, या डायलॉग हो गया, म्यूज़िक हो गया, गाना को री एडिट करके कुछ भी चीज़ बनाया होगा, तो उनके चैनल में तो लोड हो गया। अभी उनका जो सब्सक्राइबर है उनको अगर कुछ चीज़ दिखा तो आपके जो गाना लेने के लिए तो आपके चैनल में तो विज़िट करेंगे, तो आपका जो भी विज़िट करने के लिए उनके चैनल में से भी आपके चैनल में लोग आएंगे कि ये चैनल में कौन गाना बनाया है, कौन इसका ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर है। तो धीरे धीरे आपका भी चैनल जो है ग्रोथ होने लगेगा और आपका भी जो शॉर्ट्स है वो धीरे धीरे वायरल होने लगेगा। तो ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल था ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलता हूँ कोई नया वीडियो में या कोई नया टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू। Choo 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 cho